कमिंग टू द क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हम इस एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिख लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि जनरल एक्सप्रेशन है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। अब यहाँ पे सपोज हम लोग लेट b की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है, b की वैल्यू क्या ले लेंगे 3। तो जब इसकी b की वैल्यू 3 ले लेंगे और सपोज r की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं लेस देन 3, तो r की वैल्यू अगर लेस देन 3 ले लेंगे तो कौन सी वैल्यू लेनी होगी, 0, 1, 2, ये तीन वैल्यूज हमें लेनी होगी किसकी, r की। तो इस एक्सप्रेशन में अगर सब्सिट्यूट करें a इज इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू 3 इंटू क्यू प्लस आर, ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से, मतलब पुट आर इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 0, दिस इक्वल्स टू 3q, मतलब ए की वैल्यू हो गई 3q। सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में हमें बताया गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दोनों ही साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, मीन्स पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों साइड्स को क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 27q क्यूब। सो फर्दर इसको लिख लें, अगर ए क्यूब क्या आ जाएगा आपका, सपोज ये है आपका 27q क्यूब, हमें किस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 9m के लिए जाहिर सी बात है हमें अगर ये 9 एक्सप्रेस करना है तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे और क्या लिख सकते हैं, 9q क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, ए क्यूब इजिकल टू 27q क्यूब आ गया हमारा। तो फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में एक्सप्रेस करना है, तो पहला एक्सप्रेशन को हमें किस में एक्सप्रेस करना होगा, 9m, मतलब हम लोग ऐसा लिख लेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू, सपोज यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, 3q क्यूब। अब लेट कंसिडर अगर हम लोग कर लें 3q क्यूब को, हम लोग लिख लेते हैं m, यहाँ जो कि m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस केस में ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, 3q क्यूब की वैल्यू हमने क्या लिया है, m, तो ये हो जाएगा आपका 9m। तो पहला कंडीशन आ गया हमारे पास 9m, ये एक्सप्रेस हो गया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब वो 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो वो हमने कर दिया। अब सेकंड हमें r की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो पुट r इज इक्वल टू 1, 0 हमने ले लिया, अब लेंगे 1। 1 लेने के बाद इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू क्या है, 1, मतलब आगे आपका 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब सेम इसमें भी वही करेंगे, दोनों साइड्स को क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। सो दिस इम्प्लाइज ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में अगर इसको तोड़ेंगे, 3q होल क्यूब, जो कि 27q क्यूब प्लस 3a² b, मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है आपका, 3q होल स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3ab² मीन्स 3a क्या है आपका, 3q इंटू बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, 1 होल स्क्वायर, 3ab² प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, जो कि आपका आ जाएगा 1। फर्दर इसको अगर हम लिख लें तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, 3q होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर इंटू 3
27, ये हो जाएगा आपका 27 क्यू स्क्वायर प्लस, इस केस में अगर देखें 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 3 क्यू क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो सेकंड केस में अगर हम देखें तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस वन एज अ रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि 9m प्लस 1 में एक्सप्रेस करना है, प्लस 1 ऑलरेडी आपके पास रिमाइंडर के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, बचा 9, मीन्स इस फैक्टर से प्लस 1 के फैक्टर को छोड़ के जो फैक्टर्स आपके पास हैं वहां से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा क्यू प्लस 1। तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज हैं उसको ले लेंगे 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एम, इसको हमने एम कंसिडर कर लिया, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अब ये जो अंदर के ब्रैकेट की वैल्यूज थी उसको हमने क्या लिया m, तो यहाँ लिख लेते हैं 9m प्लस 1। तो अब आप अगर यहाँ देखें सेकंड में हमने क्या एक्सप्रेस करना था 9m प्लस 1 को, तो यहाँ पे आपका आ गया किसी भी कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है वो हम 9m प्लस 1 के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अब थर्ड प्रोसेस क्या करेंगे, r की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो पुट r इज इक्वल टू 2, तो जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, दोनों ही साइड्स को हम क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 होल क्यूब, दिस इंप्लाइज a क्यूब क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, अगर इसको ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब मतलब 27 क्यू क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी मतलब 3 ए स्क्वायर 3 क्यू होल स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, सो 3 इंटू ए यानी 3 क्यू इंटू बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 2 होल क्यूब। इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 क्यू प्लस 2 होल क्यूब कितना होता है 8। अब अगर हम इस फैक्टर को देखें क्या आ रहा है आपके पास, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है आपका प्लस 8, तो हमें इस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है प्लस 8 के फॉर्म में, तो अब बचेगा क्या 9, मीन्स ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका अपार्ट फ्रॉम 8 मतलब जो रिमाइंडर है आपका प्लस 8, इसको छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स हैं हमारे पास उसमें से हमें 9 कॉमन निकालना होगा, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 क्यू प्लस 8। तो अब अगर आप देखें प्लस 8 हो रहा है, ये 9 भी हो रहा है, तो हम लोग इसके बाद क्या कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर लेंगे लेट ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स हैं 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसको हम लोग सपोज m ले लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर a क्यूब क्या होगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई ये जो अंदर के ब्रैकेट के टर्म्स है उसको हमने क्या लिया m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 रिमाइंडर एज इट इज 9m प्लस 8। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे
जो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन को, तो एक जनरल टर्म जनरल एक्सप्रेशन लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू ले ली हमने 3, आर की वैल्यू क्या ली लेस देन 3 मीन 0 1 एंड 2, तो पार्ट बाय पार्ट हमने आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया ये एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। वहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने दोनों ही साइड्स के क्यूब निकाले, उसके बाद जो हमें तीन कंडीशंस जो मिले वहां पे हमने क्या देखा, तीनों कंडीशंस में हमने देखा एक कंडीशन में हमें मिल रहा है 9m, दूसरे कंडीशन में मिल रहा है 9m प्लस 1, तीसरे कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है 9m प्लस 8। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके क्यूब को हम ये तीन एक्सप्रेशंस में डिनोट कर सकते हैं। तो हेंस हम लोग कंडीशन क्या लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया था हमें प्रूफ करने के लिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यहां पे हम लोग लिख लेंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर और ये फाइनल कंक्लूजन।